वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइंस डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइंस डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने रिसेंटली ये अनाउंस कर दिया है कि वह 2030 तक चाइना से फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-31 को खरीद लेंगे। पाकिस्तान द्वारा की गई इस अनाउंसमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंडियन एयरफोर्स की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि जैसे ही 2030 तक पाकिस्तानी एयरफोर्स F-31 को एक्वायर कर लेगी, वह इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एयरफोर्स सिक्योरिटी भी हासिल कर लेगी, जो कि पिछले कई सालों से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर बना के रखी है। पाकिस्तान द्वारा F-31 जेट के एक्वायर करने की न्यूज इसलिए भी इंडिया के प्रस्पेक्टिव से चिंताजनक है, क्योंकि जहां चाइना ने अपने दूसरे फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को ऑलमोस्ट डेवलप कर लिया है, तो वहीं इंडिया के खुद के प्रयासों से बनने वाला फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट M-CA अभी डिजाइन के फेज में है। उसके लिए अभी भी कई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है और अभी तक इसका इंजन कौन सा होगा वो भी अभी सस्पेंस में है। चाइना द्वारा डेवलप किए जाने वाला F-31 जेट को बेसिकली नेवल यूज के लिए डेवलप किया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा इंटरेस्ट दिखाई देने पे चाइना अब इसको पाकिस्तान एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ये खबर भी काफी सर्कुलेट हुई थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई पायलट और टेक्नीशियन चाइना में F-31 फाइटर जेट की ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये बात अभी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, क्योंकि चाइना अभी भी F-31 को डेवलप कर रहा है और ये अभी पूरी तरीके से एयरवर्थी नहीं है। हाँ, बाद में ये खबर आई थी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके F-31 को टेस्ट करके और पाकिस्तानी पायलट से डेटा लेके इसको पाकिस्तानी एयरफोर्स के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। इधर कुछ सालों से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का फोकस अमेरिकी वेपन्स से हट के चाइनीज वेपन्स के ऊपर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स काफी लंबे समय से अमेरिका द्वारा दिए गए F-16 के ऊपर निर्भर थी, जो कि उसे टेररिज्म को खत्म करने के उद्देश्य से US गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई किए गए थे। परंतु पाकिस्तान द्वारा हमेशा इनका प्रयोग इंडिया के खिलाफ ही किया गया है, जो कि US द्वारा दिए गए रूल्स के खिलाफ था, और यही कारण था कि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को F-16 दिए जाने तथा उनका अपग्रेड भी किए जाने का विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप US गवर्नमेंट ने काफी लंबे समय से पाकिस्तान के F-16 का अपग्रेडेशन भी बंद कर दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट आज के मॉडर्न एवियोनिक्स के हिसाब से आउटडेटेड हो चुके हैं, और इसी कारण से पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का झुकाव चाइना के मिलिट्री हार्डवेयर की तरफ हो चुका है। रिसेंटली पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चाइना द्वारा डेवलप J-10C को भी 26 की संख्या में खरीदा है, और अब इस साउथ एशियन रीजन में इंडिया के ऊपर एयर सिक्योरिटी एज हासिल करने के हिसाब से चाइना के ही सेकेंड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-31 को भी 2030 तक खरीदने का अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा खरीदे जाने वाले F-31 फाइटर जेट से पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने पुराने F-16 फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा। पाकिस्तान इस F-31 जेट को बैचेस में खरीदने का मन बनाया है, ताकि हर बैच के तहत मिलने वाला ये फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के हिसाब से पहले वाले बैच से ज्यादा एडवांस बना रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो प्लानिंग करी है उसके अनुसार 2030 से पहले बैच में करीब 25 F-31 फाइटर जेट की खरीद करेंगे। टोटल 75 की संख्या में इनको खरीदने की प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान द्वारा की गई इस अनाउंसमेंट से कई कंट्रीज, पर्टिकुलर इंडिया और इसकी एयरफोर्स के लिए सरदर्द बन सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अभी मेक इन इंडिया के तहत अपने आर्म फोर्सेस को धीरे धीरे मिलिट्री हार्डवेयर ट्रायल एंड टेस्ट के जरिए डेवलप कर रहा है। आत्मनिर्भर के उद्देश्य से मोदी गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए ये इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छे हैं, लेकिन आप हर एक प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं चला सकते, तो वहीं कुछ प्रोजेक्ट में आपको प्रीएक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा, जिसमें मोदी गवर्नमेंट जरूर पिछड़ती दिख रही है और कहीं ना कहीं इसके लिए लाल फीताशाही भी जिम्मेदार है, लेकिन लास्ट में इन सब में इंडियन आर्म फोर्सेज ही पिछड़ती नजर आती है, और यही कारण है कि 2024 में जहां इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए थी, वहीं इसके उलट इसकी ताकत और कम होती जा रही है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए अलार्मिंग स्थिति है। जहां सारी दुनिया फिफ्थ जनरेशन के लिए तैयारी कर रही है, तो वहीं अभी तक इंडियन सरकारी एजेंसी 4.5 जनरेशन का तेजस भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है, और अभी इंडिया का फिफ्थ जनरेशन M-CA फाइटर जेट 2035 से पहले इंडियन स्काई पे उड़ता नहीं दिखाई देगा।
अभी जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर ली गई एज को रिगेन करने के लिए कुछ ऑप्शन जरूर देखना चाहिए, और इन्हीं गई ऑप्शन में से एक जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके अनुसार इंडियन एयरफोर्स को रशिया द्वारा डेवलप किए गए Su-57 को जरूर कंसीडर करना चाहिए, जो अपने पुराने स्थिति से कहीं ज्यादा मैच्योर हो चुका है, और उनको 2 से 3 स्क्वाड्रन तक जरूर परचेज करना चाहिए, ताकि चाइना और पाकिस्तान दोनों को ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया भी किसी भी फ्रंट में उनसे कम नहीं है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।